गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिखा शर्मा एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड माय चैनल नेम इज टीच लर्निंग ग्रो विद मी। तो मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़े रिगार्डिंग DSSB TGD नेचुरल साइंस, तो मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल DSSB आप लोग जानते हैं ये दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब है और इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। येस, अगर हम TGT की बात करें तो फीमेल्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलता है, वैसे फॉर मेल कैंडिडेट्स इसका 32 ईयर्स है। एंड अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स आपकी 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं एज पर प्रेजेंट रूल, अभी तक रूल के अकॉर्डिंग। नाउ आपकी नेक्स्ट क्वेरी ये थी कि हमारा सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो गया है, हमारा BEd कंप्लीट है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? येस, ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज अभी तक वैकेंसीज नहीं आई हैं। और जिन लोगों का सीटेट अभी अभी क्वालिफाई हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पहले हमारी गवर्नमेंट ने सीटेट कंडक्ट कराया है ताकि आप लोग जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी इंसाफ हो सके। तो आप लोगों की वैकेंसीज अभी बहुत कम चांसेस हैं कि अभी आपकी सितंबर में आएगी, बिकॉज सितंबर इज ऑलरेडी एंड, कल आपका सितंबर खत्म हो जाएगा और आपका अब अक्टूबर में भी निकालेगा अगर वैकेंसी DSSB, तो एग्जाम तो आपका फेब से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी DSSB की जो एग्जाम्स होते हैं जनरली समर्स में ही होते हैं और इसका मंथ जनरली आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर ही रहता है जो अब ऑलमोस्ट जा चुका है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट होगी वो भी 1 महीना चलेगी, और अगर आप 1 महीना मान के चले तो अक्टूबर आप पूरा मंथ मान लीजिए फॉर्म फिलिंग, अगर अभी भी फॉर्म निकलते हैं अभी भी नोटिफिकेशन आती है, जो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों का जो एग्जाम होगा फॉर दी न्यू सेशन 2024 to 2025 ये आपको फेब्रुअरी मार्च में ही देखने को मिलेगा। तो अगर हम मान लेते हैं फेब्रुअरी मार्च में एग्जाम है तो इसका मतलब नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली दिसंबर के मिड में देखने को मिलेगी, उससे पहले अभी कोई भी चांसेस नहीं है, और इतनी 3-4 महीने पहले नोटिफिकेशन वो निकालेंगे नहीं। एंड नोटिफिकेशन के 1.5 से 2 महीने में आपका एग्जाम हो सकता है, हो जाता है जनरली जो अभी तक देखा गया है। तो आप लोगों के डाउट ये था कि DSSB आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। सी, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, वो मुझे भी नहीं पता कि हाँ हार्डवर्क मैंने बहुत किया था, मैं मानती हूँ। अब बात यह है कि मैं ऑलरेडी वर्किंग थी जब मेरी DSSB मेरा नेचुरल साइंस क्लियर हुआ। तो आप लोगों का था कि आपको कितना टाइम लगेगा। सी, इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। आप लोगों को अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं और TGT पढ़ा रहे हैं, तो TGT अगर पढ़ा रहे हैं तो 10th तक का आपको साइंस डेफिनेटली आता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप लोग 11th 12th के भी टच में होंगे अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो आपके ऊपर आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। और बेसिकली अगर आपने अभी अभी जस्ट BEd कंप्लीट किया है और आप कहीं भी वर्क नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि जब हम लोग ऑलरेडी वर्किंग होते हैं बच्चों के साथ, हम लोग उनके क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बच्चे करते हैं क्लास में, तो हमारी नॉलेज भी उससे अपग्रेड होती रहती है। तो जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं इन अ प्राइवेट स्कूल, आप लोगों को येस 2 महीने तो डेफिनेटली लगने वाले हैं आपको साइंस की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि आपका साइंस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है 11th एंड 12th का। 10th तक की तो प्रिपरेशन इज ईजी, आप 10th तक कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी एज अ TGT वर्क कर रहे हैं। और अगर आप PGT वर्क कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर आप PGT कहीं पे फिजिक्स वर्क कर रहे हैं या केमिस्ट्री वर्क कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से एक ना एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो आपको 6th से लेकर 10th तक का तो ओवरऑल सब कुछ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये तो आपका बेस है। आप ये मान लीजिए 6 to 8 जो आपका बेस है, 9th 10th आपको डेफिनेटली करना है। और जब आप 10th तक कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये मान लीजिए कि 100% में से आपका 50% सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं 11th 12th की, तो आप जिस स्ट्रीम से भी है, अगर आप बायोलॉजी को बिलोंग करते हैं या फिजिक्स को या केमिस्ट्री को, तो इन तीनों में से एक तो आपको कंप्लीट करना है एज पर योर स्ट्रीम। जैसे मेरा केमिस्ट्री है मेरा बैकग्राउंड, तो मैंने केमिस्ट्री पूरा किया था 11th 12th का। नाउ बात कर लेते हैं सेकेंड सब्जेक्ट की, जैसे मैंने केमिस्ट्री किया था, उसके बाद मेरा फिजिक्स अच्छा था तो मैंने 60-70% फिजिक्स भी किया था, और बाकी का क्या टॉपिक्स हैं जो आपका बायोलॉजी अगर रह भी जाता है तो वो आप 6th to 10th में ज़्यादातर कवर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम बचता है, जैसे केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया तो फिजिक्स और बायोलॉजी बचता है, तो वो टॉपिक्स जो 9th 10th में है, लाइक ब्लड का टॉपिक है, रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स जो 9th 10th में है और उसके बाद वो 11th 12th में भी रिपीट हो रहे हैं, अगर वो रिपीट हो रहे हैं इट मीन्स दे आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप इस तरह से कवर करिए, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस तो आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी तरह के आप टॉपिक वाइज उसको रिवाइज कीजिए। पहले आप अपना टारगेट 6th to 10th का बनाइए कि 6th to 10th मुझे मान लो 20 डेज में कंप्लीट करनी है या 1 महीने में कंप्लीट करनी है, और 1 महीना पूरा मुझे
11 12th को देना ही पड़ेगा, डेफिनेटली देना पड़ेगा। अगर वर्किंग है तो टाइम की भी शॉर्टेज होगी, तो आपको अपना रेगुलर निकालना पड़ेगा साइंस के लिए। और फिर पार्ट वन जो आपका पार्ट ए होता है वो भी क्लियर करना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको स्पीड भी चाहिए, अपना जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स भी आपको चाहिए होंगे। पर अपनी सबसे पहले जो मैं बताऊंगी जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं, सबसे पहले आप हिंदी और इंग्लिश करिए। हिंदी और इंग्लिश बहुत बेसिक है, अगर आप 8-9 तक की ग्रामर कर लेते हैं तो आराम से 20 में से आप 17-18 नंबर ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के अपने 40 नंबर का पहले करिए, उसके बाद आइए रीजनिंग पे। रीजनिंग जब आप करेंगे तो कम से कम मान के चलिए कि मेरे को 20 में से 15-16 करने हैं। उसके बाद आ जाए आपका मैथ्स, मैथ्स करेंगे यस 8 तक का तो डेफिनेटली सारे टॉपिक्स करने हैं, और 8 तक के में आपका 90% मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादातर टॉपिक्स आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गई, ये सारे टॉपिक्स, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सब 8 तक कवर हो जाते हैं, राइट। आप ये करिए 80 नंबर का आप बहुत अच्छे से करिए। उसके बाद बचती है आपकी जनरल नॉलेज और आपके करंट अफेयर्स, साथ में 20 नंबर का। जो पॉसिबल नहीं है कंप्लीट करना तो बाद में अगर टाइम बचेगा तब आप करिए, बट अपना इतना बना के चलिए कि हाँ अगर मेरा 200 मार्क्स का मैं एग्जाम कर रही हूँ तो मैं 160 स्कोर का मैं अपना एम रखूँ। जब 160 हम एम रखेंगे तभी हमारे 130 140 तक जाएंगे, क्योंकि मैरिट में भी आना है और कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अब बीएड करके फ्रेशर्स निकल रहे हैं एंड साथ में सीटेट अभी क्वालिफाई जो कर रहे हैं लेटेस्ट। तो आप लोगों को भी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको भी पूरी फुल मेहनत करनी है, और जो फ्रेशर्स हैं उन लोगों को और मेहनत करनी है, क्योंकि उनके उनका एक्सपीरियंस के साथ भी कंपटीशन होगा इसके अंदर जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। और पर आपका फ्रेशर्स, आप लोगों की एडवांटेज ये है कि आप लोग अभी फ्रेश आप लोगों ने बीएड किया है, फ्रेश सीटेट पेपर 2 दिया है, तो डेफिनेटली आप टच में होंगे, तो बिल्कुल भी गैप मत करिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आपके पास आराम से अभी 2.5 से 3 महीने हैं फॉर द टीजीटी नेचुरल साइंस प्रिपरेशन, और आप लोगों की जो वैकेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट आपकी 2200-2300 से ऊपर हैं, जिसमें से फीमेल की वैकेंसीज अलग नंबर होता है, मेल्स का अलग होता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। पर अगर फिर भी किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी क्वेश्चनिंग करनी है रिलेटेड टू नेचुरल साइंस, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।